दोस्तों, हाल ही में एक बात आप अवश्य सुनते होंगे कि भारत अब कनाडा को FATF ले जाएगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस बात को तो अवश्य सुना कि भारत अब कनाडा को FATF ले जाएगा, लेकिन अभी तक इसे ये पता नहीं है कि आखिर FATF क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरे सिंपल भाषा में आप जानिए कि आखिर में FATF क्या होता है। FATF का पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि FATF के ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा अभी तक जो है सो पाकिस्तान झेल रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा जारी की गई नई सूची अनुपालन करते हुए 88 आतंकवादियों को प्रतिबंधित किया है। कौन तो पाकिस्तान, जिसमें कहा जाता है दोस्तों कि बहुत बड़े बड़े आतंकवादी जो है सो शामिल थे, जैसे में दोस्तों हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी शामिल थे। दोस्तों, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डालते वक्त इसे आतंकवादी पर कार्रवाई करने के लिए 2019 तक समय दिया गया था, और इस समय को बढ़ा भी दिया गया था। किस लिए? क्योंकि उस समय जो है सो कोरोना महामारी बहुत ही ज्यादा फैल गया था, तो इसको पहले से ही 2019 तक समय मिला था, लेकिन इसके बाद भी कोरोना महामारी के चलते समय भी बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान इस काम को पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों, FATF की स्थापना वर्ष 1989 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादियों को वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटाना है। वर्तमान में FATF में भारत समेत 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर किसी देश को अगर FATF में ले जाया गया तो उसे किसी एक लिस्ट में डाल दिया जाता है, या तो उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो आप ये समझिए कि FATF में आखिर ग्रे लिस्ट क्या होता है और ब्लैक लिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रे लिस्ट के बारे में जान लीजिए। देखिए दोस्तों, कि जिस देश पर यह संदेह होता है कि वह आतंकवादियों पर कार्यवाही नहीं कर रहा है, तो उस देश को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, तो अगर किसी देश से आतंकी संगठन को फंडिंग हो रही है और जो उसे कार्यवाही करना चाहिए था वो जो है सो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उस देश को FATF के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये भी जान लीजिए कि अगर किसी देश को FATF के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उस देश को क्या होगा, तो पहला, उस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और दूसरा, उस देश में अन्य देश निवेश करना बंद कर देता है, और साथ ही उस देश का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मिलना भी क्या हो जाता है, तो बंद हो जाता है। एक ही बात समझ लो कि अगर किसी देश को FATF के तहत अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उसे बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और इससे भी बड़ी बात है दोस्तों कि अभी तक पाकिस्तान को कहा जाता है कि अभी तक FATF के तहत उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, कि वह आतंकी को रोक और उसे दंडित करने में विफल रहा। दोस्तों, इसी वर्ष फरवरी में FATF के बैठक में कहा गया कि इस बार भी जो है सो पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं तो आतंकी पे कार्यवाही किया और नहीं उसे दंडित कर पाया, और इसे जो समय प्राप्त हुआ था उस समय पे जो है सो इस प्रकार का वो काम नहीं कर पाया, इसीलिए पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर FATF क्या होता है। अगर कोई देश किसी देश को अगर FATF ले जाएगा ना, तो समझ लो कि उस देश को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कनाडा को FATF में ले जाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कनाडा के बारे में आप जानते होंगे, कनाडा नाटो का सदस्य है, अमेरिका का छोटा भाई है, इसीलिए कनाडा को FATF में ले जाना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर भारत अगर ठान ले ना, तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में इस बात को सिद्ध कर दिया है कि कनाडा किस प्रकार जो है सो आतंक भारतीयों को अपने ही देश में शरण देता है। इसीलिए अगर भारत चाहे तो कनाडा को FATF में ले जा सकता है। अगर कनाडा को FATF में भारत अगर ले गया तो समझ लो कि कनाडा के ऊपर बहुत ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा, और जिस प्रकार का हाल पाकिस्तान का है उसी प्रकार का हाल कनाडा का भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत कनाडा को FATF ले जा पाएगा या नहीं, नीचे कमेंट करके अवश्य बताना। जय हिंद।